अब यहाँ पे अगर आप फ्लूट यूज करते हो, क्या यूज करते हो? फ्लोट. सो इफ यू यूज फ्लोट हियर एंड सेव इट एंड प्रेस एफ इट, नाउ लेट अस लुक टुवर्ड्स दिस. अब जब आप यही डिवीजन या एडिशन ले लो, कोई भी ले लो, एडिशन में आप यहाँ पे टू नंबर, आप लो 12.5, ठीक है, ये आ गया पहला नंबर, फिर से ले लो 12.5, व्हाट विल बी द रिजल्ट? या आप 12.3 ले लो, 12 + 12 जो होंगे वो 24 होंगे, 5 + 3 = 8, तो इट शुड बी 24.8. लेट अस प्रेस एंटर, इट इज 24.8, इजंट इट? सो दैट इज इट. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. शुरू करते हैं आज की सी प्रोग्रामिंग की और एक क्लास, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे स्विच केस स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस. सी प्लस प्लस के अंदर स्विच और केस को हम कैसे यूज करते हैं और इसका सिंटैक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, लेट अस गो फॉर दैट. सो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है. ये जो स्विच केस स्टेटमेंट होता है, The switch case statement allows us to execute a block of code among many alternatives. इसका मतलब क्या है कि ये जो switch case statement है, ये हमें allow करता है to execute a block of code. यानी एक block of code हम इसे execute कराते हैं. और हमारे पास जबकि बहुत सारे कोड यानी स्टेटमेंट्स होते हैं, आप इस तरह समझ लो कि अगर हमारे पास जिस तरह हमने इफ एल्स लैडर को यूज किया था, उसमें हम बहुत सारी कंडीशंस देते थे, फिर जो कंडीशन ट्रू होती थी वही उसी का स्टेटमेंट प्रिंट होता, ये सेम उसी तरह है इसमें भी. लेकिन उस वाले में जो इफ एल्स लैडर है, उसमें हम ज्यादा कोडिंग करते हैं, इसमें उतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ती है, इतनी बार रिपीट नहीं करना पड़ता. जैसे इफ एल्स लैडर की बात करें तो हम पहले लिखते थे इफ फिर एल्स इफ फिर से एल्स इफ फिर से एल्स इफ, यहाँ पे एक बार लिखना है स्विच एंड देन, जिसमें हम कंडीशन देते हैं और उसके बाद स्विच यूज करते हैं, यानी केस 1 केस 2 केस 3 अप टू जितने केसेस होंगे, ठीक है, यानी हमारे पास बहुत सारे केसेस होंगे, उनमें से खाली एक ही एग्जीक्यूट होता है. तो दैट इज स्विच केस स्टेटमेंट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड अमंग मेनी अल्टरनेटिव्स, यानी जबकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उन ऑप्शंस में हम खाली एक को करते हैं जो कंडीशन को फिट आता है. जैसे इसका सिंटैक्स क्या है C++ में, इस तरह आप देख लीजिए कि स्विच के स्टेटमेंट जो है, इसमें हम स्विच यूज करते हैं पहले और उसके अंदर एक्सप्रेशन देते हैं, एक्सप्रेशन का मतलब होता है यानी कंडीशन देंगे, और जब जिस वाली कंडीशन यानी जिस केस के साथ ये कंडीशन फिट हो जाए, वही ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाए. जैसे अगर हमारे पास केस 1 है, केस 1 में हमने यहाँ पे कोड यानी लिखा हुआ है कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट 1, यानी अगर कांस्टेंट, देखो केस का हम इसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, केस तो केस इसी तरह लिखना है, यानी केस ऐसे ही लिखना है. फिर जो आप ये नाम देते हो ना, यहाँ पे मैंने दिया है कांस्टेंट 1, अब अगर कांस्टेंट 1 वहां से फुलफिल हुआ, देन जो कोड हम इस वाली एक्सप्रेशन के अंदर लिखेंगे ना, तो वो वाला जो है एग्जीक्यूट होगा. फिर हम इसके अंदर ब्रेक यूज करते हैं. व्हाट इज ब्रेक? ब्रेक का मतलब होता है कि यानी अगर ये ट्रू है, यानी ये कंडीशन सही है, ये फिट हो रही है, देन यहीं पे ब्रेक करो इन सबको, बाकी जो कंडीशन हमारे पास है इनको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है. समझ आया? इसी को कहते हैं हम ब्रेक. नाउ इसी तरह दूसरा हमारा जो है, दैट इज कॉल्ड केस कांस्टेंट 2. हम दूसरा केस ले लेते हैं कि अगर ये वाला नहीं हुआ, तो अगर ये वाला हुआ यानी दूसरा वाला, तो उस वक्त ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक, और उसके बाद अगर ये सही हुआ तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा. देन इसी तरह हजारों स्टेटमेंट्स हम यानी हजारों केसेस हम ले सकते हैं और उसके अंदर हजारों स्टेटमेंट्स को यानी एग्जीक्यूट करा सकते हैं एक्सप्रेशन को, ठीक है, लेकिन वन टाइम पे खाली एक ही एग्जीक्यूट होगी. बात आ रही है समझ? देन अगर इनमें से कोई नहीं, तो फिर लास्ट में आता है डिफॉल्ट. जिस तरह हम लास्ट में एल्स देते थे इफ एल्स लेटर के अंदर, इसी तरह हम यहाँ पे देते हैं डिफॉल्ट, यानी अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर ये वाली मैसेज प्रिंट करो, ठीक है. कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एक्सप्रेशन डज नॉट मैच एनी कांस्टेंट, यानी अगर इनमें से कोई कांस्टेंट है ही नहीं, तो देन डू दिस डिफॉल्ट सेक्शन, ठीक है. सो लेट अस डू इट इन कोड ब्लॉक. हम इसके ऊपर एक दो प्रोग्राम्स करेंगे, तो उसकी उन प्रोग्राम्स की मदद से हम इसको समझेंगे, ठीक है. तो पहले हम एक सिंपल सा प्रोग्राम करेंगे इसमें, ताकि वो समझ आए, फिर हम और एक चीज इसके अंदर ऐड करने वाले. तो यहाँ पे मैं नाम रखूंगा स्विच SWRTCS, स्विच केस स्टेटमेंट. सो लेट अस प्रेस एंटर. हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे. क्या बनाएंगे? कैलकुलेटर. कैलकुलेटर में हम क्या बोलेंगे, यानी कैलकुलेटर से क्या कराएंगे, हम बेसिक चार अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो कराएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. ये चार हम अरिथमेटिक ऑपरेशन इस प्रोग्राम के जरिए से कराएंगे बाय यूजिंग स्विच एंड केस, ठीक है. सो लेट अस सी कि हाउ इट वर्क्स. सबसे पहले हम करेंगे काम, हम एक स्विच लेंगे और उसके अंदर यानी पहले हम लेंगे दो नंबर्स. हमें इस वक्त जो है बहुत सारे नंबर्स लेने पड़ेंगे, पहले तो दो नंबर्स जनरल जो हम यूजर से लेंगे और उन दोनों के दरमियान ऑपरेशन करेंगे, ठीक है. सो लेट अस क्रिएट एन इंटीजर इवेंट, यानी एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर, और इसके अंदर हम ले लेते हैं नंबर. क्या लेंगे? हम लेंगे नंबर 1 एंड कॉमा करके नंबर 2, ठीक है. ये दो नंबर हम ले लेंगे. उसके बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे सी आउट. सी आउट किस लिए?
सी आउट हम यूज करेंगे ताकि यूजर को मैसेज प्रिंट कराए कि भाई आप दो नंबर्स दे दो, जो भी आपको देने हैं। हम एक साथ में दोनों नंबर्स ले सकते हैं या अलग अलग ले सकते हैं, एक साथ भी दो ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं, पहले हम नंबर नहीं, पहले हम ऑपरेटर सिलेक्ट कराएंगे। तो उसके लिए हमें और एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, कैरेक्टर टाइप, क्योंकि कैर के अंदर हम सिंबल्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर टाइप हम एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे ऑपरेटर, लेकिन ऑपरेटर वो वाली फंक्शन है, सो लेट अस यूज OPER, बस इतना ऑपरेटर, ठीक है। इसको हम समझेंगे कि ये ऑपरेटर है, इसमें हम OPER ही खाली ले लेंगे। सो इसके अंदर सबसे पहले हम यूजर को मैसेज दे देंगे कि भाई आप जो है क्या कराना चाहते हो, एंटर एनी ऑपरेटर, लेकिन वो ऑपरेटर हम यहीं से देंगे, प्लस कामा माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कामा डिवीजन, यानी इनमें से आप क्या करना चाहते हो, एंटर एनी ऑपरेटर इनमें से, ये चार ऑपरेशन हम कराएंगे ना। अगर उसे मॉडुलस वगैरह यूज किया तो फिर तो वो नहीं होगा ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन कराया कि कौन कौन ऑपरेटर आप यूज करो। सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे एंडल, यहाँ पे खत्म करेंगे इस वाली लाइन को। अब जब यूजर ने नंबर ले लिया, उसके बाद दूसरी चीज हम क्या कराएंगे, दूसरी चीज हम और एक मैसेज यूजर के लिए प्रिंट कराएंगे, उसमें हम बोलेंगे यूजर को कि भाई आप क्या करो, नंबर्स लिख लो, ठीक है, वो नंबर्स को लिखेगा। नाउ उसके लिए हम यूज करेंगे सी आउट, सी आउट के अंदर यहां पे हम लिखेंगे एंटर द वैल्यूज, आप नंबर्स भी लिख सकते हो, सिंपली लिखो वैल्यूज, ठीक है, दोनों चीजें सही है। एंटर द वैल्यूज, क्यों वैल्यू लिखने हैं, श्योर, लेकिन पहले तो इस ऑपरेटर को सेव कराना पड़ेगा ना, सो लेट अस यूज सी इन, जो ऑपरेटर वो लिखेगा उसको सेव कराना पड़ेगा ना सी इन के अंदर, तो उसके लिए हम सी इन यूज करेंगे, और सी इन के अंदर हम लिखेंगे डायरेक्ट क्या, OPER, तो इसकी मदद से हमारा जो है ऑपरेटर इसमें सेव हो जाएगा। सो लेट अस यूज अगेन दिस एंड यूज एंड एल, नाउ क्लोज इट हियर, सही है। और इसी तरह हम यानी सी इन कराएंगे क्या, सी इन कराएंगे नंबर वन। मैंने कहा था कि अगर आप दो वैल्यूज को एक साथ कराना चाहते हो ना, तो फिर आप इस तरह लिखोगे सी इन नम वन कामा नम टू, नम वन, एक तो नम वन स्टोर होगा एंड देन कामा करके नम टू, नम टू, ये भी सही है। लेकिन अगर आप अलग अलग कराना चाहते हो, यानी पहले यूजर से बोलोगे कि भाई एक वैल्यू लिखो, तो वो लिखेगा फिर दूसरा वैल्यू लिखाएंगे, ठीक है। तो सीन के अंदर हम यहाँ पे इन दोनों को स्टोर कराएंगे, बट यहाँ पे हम कॉमा की जगह यही वाली साइनस यूज करेंगे, ठीक है। सो हो गया ये, नाउ लेट अस यूज अगेन हियर एंड एल एंड एल, ताकि नई लाइन में हम इसको कराएंगे। तो उसके बाद हमें करना है अब स्विच ऑपरेटर यूज, यानी जिसकी मदद से हम ये कराएंगे कि इन दोनों को एक दूसरे के अंदर, यानी जो भी ऑपरेटर यूजर ने सिलेक्ट किया, जो वैल्यूज होंगे उन दोनों के एडिशन सबट्रैक्शन मतलब किया। अब उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, स्विच। सो लेट अस यूज स्विच, स्विच के अंदर हम देंगे कंडीशन, क्या क्या देने हैं, यहाँ पे हम देंगे ऑपरेटर, क्या देंगे ऑपरेटर। अब देखो जब हमने यहाँ पे OPER यूज किया, इसके बाद यहाँ पे हम देंगे पहला वाला केस, जिस तरह अभी दिया था केस वन। केस वन में हम क्या बोलेंगे कि केस अगर हुआ प्लस, क्या हुआ प्लस, लेकिन प्लस के जब हम ये सिंबल यूज करेंगे उसके लिए ये सिंगल कोट्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि अगर केस हुआ, यानी अगर यूजर ने प्लस दिया, वेरी गुड, तो एट दैट टाइम व्हाट शुड यू हैव टू डू, तो उसके लिए आप उस वक्त आप क्या करोगे, आप उस वक्त करोगे कि आप इन दोनों का एडिशन कराओगे, यानी प्रिंट कराओगे सी आउट, उस वक्त आप प्रिंट करोगे, क्या प्रिंट करोगे, सी आउट, सॉरी एग्जैक्टली सी आउट उस वक्त करेंगे हम नम वन प्लस नम टू, बात खत्म। सी आउट करेंगे हम सिंपली, यहां लिखोगे यहां पे आप डबल कोट्स लिखोगे द एडिशन ADDITION, द एडिशन ऑफ एंटर्ड वैल्यूज इज, ठीक है। उसके बाद यहां पे इस साइड आ जाएंगे एंड देन यहां पे यूज करेंगे यही वाली साइन, यहां पे लिखूंगा मैं नम वन, नम वन प्लस नम टू डायरेक्टली, ठीक है, सिंपली हम यही यूज करेंगे एंड लेट अस सेव इट, इन दोनों को यानी इन दोनों का एडिशन एंड लेट अस क्लोज इट, बात खत्म। पहले इस वाले को चेक करते हैं एंड लेट अस यूज हियर ब्रेक, यहां पे हम ब्रेक यूज करेंगे, फिर वहीं पे कंडीशन ब्रेक होनी चाहिए, ठीक है।
तो इस वाले को देखते हैं कि ये वर्क करेगा या नहीं. सो लेट अस एग्जीक्यूट इट एंड राइट डाउन द ऑपरेटर. पहले हमने लिया है प्लस, तो हम प्लस लिखेंगे. अब बोल रहा है एंटर द वैल्यूज, हम लिखेंगे 10 सुपेस करके 10, सॉरी 10 सुपेस 10. जब हम एंटर लिखेंगे तो यहाँ क्या बता रहा है, द एडिशन ऑफ एंटर वैल्यूज इज 20, सही है. तो बस ऐसे ही बाकी केसेस लिखने हैं, उनको एग्जीक्यूट करा देना है. तो मैं यहाँ पे पहले कंट्रोल का जेड यूज करूंगा, यहाँ पे हम ऑपरेटर ये वाले यूज करेंगे. सो लेट अस डू वन थिंग, ये हो गया एक केस. नाउ लेट अस राइट डाउन द केस नंबर 2 के इसको नीचे उतारते हैं क्योंकि दूर हो रहा है, ठीक है. सो नाउ लेट अस यूज द केस नंबर 2. व्हाट विल बी आवर केस 2? राइट डाउन केस एंड देन सिंगल कोट्स एंड देन यहाँ पे माइनस यूज करेंगे. अब ये जो माइनस है इसके साथ हमारे क्या होना चाहिए, अगर यूजर ने माइनस लिखा तो एट दैट टाइम हम प्रिंट कराएंगे माइनस यहाँ पे सी आउट. सी आउट के जरिए से हम मैसेज प्रिंट करेंगे. मैसेज में बोलेंगे द सबट्रैक्शन SUBTRACTION द सबट्रैक्शन ऑफ एंटर्ड वैल्यूज VALUES वैल्यूज इज सबट्रैक्शन, जो भी आपने नंबर्स लिए उनका सबट्रैक्शन है. क्या सबट्रैक्शन है, लेट अस प्रेस एंटर ताकि हमें नई लाइन मिल आए. यहाँ पे हम ये वाले ऑपरेटर्स यूज करेंगे और यहाँ पे भी सेम नाम 1 लेकिन माइनस नाम 2, वेरी गुड, दैट इज इट. बाकी कुछ नहीं करना, इन दोनों को क्लोज कर दो, बात खत्म हो गई. एंड देन यूज द ब्रेक. नाउ इफ यू चेक दिस, प्रेस एफ एट, ब्रेक के बाद यहाँ पे क्लोज करना है, ठीक है. ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है कि कहाँ पे क्लोज करना है कहाँ पे. अब अगर हम यहाँ पे माइनस साइन की साइन यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या बता रहा है, एंटर द वैल्यूज. नाउ अगर यूजर अभी 10 माइनस 10 और दूसरा जो वैल्यू है वो 20 लेगा तो व्हाट शुड बी द रिजल्ट, माइनस 10. तो द सबट्रैक्शन ऑफ एंटर वैल्यूज इज माइनस, देख रहे हो. तो ये माइनस में ही माइनस में भी देगा है. सिमिलरली इफ यू यूज 15 5 6 आप कोई भी नंबर ले लो, उसको आप दूसरा नंबर ले लो, जब तक आप सुपीरियस नहीं करोगे आप तीसरे वाले केस में हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई केस 3 जो है उसमें हम सिंगल कोट्स यूज करके यहाँ पे माइनस यूज करेंगे. और माइनस में बोलेंगे कि जब यूजर मल्टीप्लिकेशन से यूज करेंगे. मल्टीप्लिकेशन में क्या बोलेंगे कि भाई यूजर जब क्या माइनस यूज करेगा, यानी जब सॉरी मल्टीप्लिकेशन यूज करेगा तो आप यहाँ पे सी आउट कर लो. सी आउट क्या करना है, सी आउट आप हमें मैसेज देंगे कि मैसेज प्रिंट कराएंगे उसमें बोलेंगे द मल्टीप्लिकेशन MULTIPLICATION मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटर्ड वैल्यूज VALUES इज, इनका मल्टीप्लिकेशन है क्या है. Let us close this section here and use again these two and write down num1 multiplying with num. This space bhi dal sakte ho aap, isse koi fark nahi padega. Multiply with num2. See, now let us close it. तो बात खत्म हो गई. अब इसके बाद अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं F8 के साथ, पहले ब्रेक भी यूज करनी थी इसके साथ, ठीक है. सो लेट अस डू वन थिंग कि यहाँ पे अब हम जो है ऑपरेटर सिलेक्ट करेंगे कौन सा, मल्टीप्लिकेशन का. सो लेट अस यूज मल्टीप्लिकेशन, प्रेस एंटर, एंटर टू वैल्यूज. अब हम बोलेंगे 10 स्पेस 20, 10 इंटू 20 कितने हुए 200. सो प्रेस एंटर, यहाँ पे बता दो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटर वैल्यूज इज 200, ठीक है. अब और एक चीज यूज करो, और एक टेस्ट करेंगे. अब हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई, सॉरी मैंने गलत यूज किया, पहले ऑपरेटर है, ठीक है. तो प्रेस F8, एंटर एनी ऑपरेटर, सिलेक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो एंटर द वैल्यूज. पहले हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया 9, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटर वैल्यूज 9. ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये हम सबको पता ही है, ठीक है. सो लेट अस यूज हियर ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक यूज करेंगे. एंड ब्रेक के बाद जो है इसके बाहर आते हैं, लास्ट केस जो है दैट इज आवर केस नंबर 4 विच इज, उसमें हम फ्यूजन यूज करेंगे, वेरी गुड. सो लेट अस सेलेक्ट हियर फ्यूजन और उसमें हम कंडीशन देंगे, यानी अगर यूजर ये किया है तो सी आउट कर लो उस टाइम पे. व्हाट शुड बी आवर सी आउट, हम एक मैसेज देंगे सिंपल सी और उसमें लिखेंगे द डिवीजन DIVISION द डिवीजन ऑफ एंटर नंबर्स ऑफ एंटर MBER नंबर्स.
इतनी टेंशन नहीं है, आप नंबर्स में तो वैल्यू देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सो यहाँ पे ये यूज करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे नम वन एंड डिवाइड विथ नम टू, नम सही है। नाउ लेट्स क्लोज इट एंड यूज ब्रेक वी आर ई ए, और उसके बाद जो है डिफॉल्ट यूज करेंगे वो भी करके रखेंगे, ठीक है। डिफॉल्ट में हम सिंपली बोलेंगे कि हम बोलेंगे यहाँ सिलेक्टेड रॉन्ग ऑपरेटर, क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे सी आउट सिंपली, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर प्लीज एंटर सिलेक्ट सिलेक्ट द वैलिड ऑपरेटर। यहाँ पे हम बोलेंगे यूजर को कि भाई आप जो है आपने गलत यूज किया है क्या ऑपरेटर, अगर कोई और चीज तो प्लीज सिलेक्ट द वैलिड ऑपरेटर। सो लेट अस एग्जीक्यूट इट, लेट्स टेस्ट द यूजर, वैलिड यूजर को टेस्ट करेंगे। नाउ हम डिवाइड करेंगे 40 को, सॉरी पहले हम करेंगे डिवाइड साइन यूज, ठीक। अब एंटर वैल्यूज, नाउ यहाँ पे हम करेंगे यूज की 40 डिवाइड विथ 10, तो व्हाट शुड बी द रिजल्ट 4, सही है, द डिवीजन ऑफ एंटर नंबर्स। व्हाट इफ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये सारे चल रहे हैं, ठीक है, हमने देखा। अब अगर हम ऑपरेटर गलत यूज करते हैं, देखो अभी मैं यहाँ पे ऑपरेटर मॉडुलस यूज करूंगा, ठीक है, फर्स्ट वन में ये तब भी बता रहे नंबर लिखो, अब मैंने 12 लिखा और 4 लिखा, ये क्या बता रहा है, प्लीज सिलेक्ट द वैलिड ऑपरेटर, बिकॉज ये तो ऑपरेटर ही नहीं है ऊपर, यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, सही है। तो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग अस प्लीज सिलेक्ट द वैलिड ऑपरेटर, तो ये हो गया। तो इट मींस दैट आवर प्रोग्राम इज वर्किंग प्रॉपरली, ये सारी कोडिंग जो है ये काम कर रही है। नाउ अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन क्रिएट करूंगा, यानी जो हमारा रिजल्ट आना वो एक्जैक्टली क्या होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे एफ8 प्रेस करता हूँ, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, डिवीजन करते हैं दो नंबर्स का, जैसे अगर हम 63 को डिवाइड कर, सॉरी पहले यहाँ पे डिवाइड यूज करेंगे, 63 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो रिजल्ट विल नॉट बी 12, इट विल बी 12 एंड समथिंग। लेट अस यूज द कैलकुलेटर, यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज करेंगे, सो दैट वी विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 63 डिवाइडेड विद 5, इट इज 12.6, बट इट इज शोइंग अस 12, दैट इज नॉट गुड, सही है, इस गलत, मतलब सही गलत भी नहीं है, लेकिन इट गिव्स द राउंड फिगर, इट गिव्स द होल वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर, इट इज नॉट गिविंग अस द फ्लोटिंग नंबर और वी कैन से द डेसिमल नंबर, ठीक है। सो इसको, इस चीज को कैसे हम यूज करेंगे, लेट अस सी वो हम कैसे यूज करें। हम सिर्फ यहाँ पे एक चीज चेंज करेंगे, दैट इज ये जो int हमने नंबर्स दो लिए हैं, इसकी जगह हम यूज करेंगे float, क्या करेंगे। अब ये float मैंने परसों पढ़ाया था कि what is float number, float number जो है इसमें सेव होते हैं decimals, यानी वो numbers जिनके जो जिसको हम बोलते हैं improper number, यानी जिसके अंदर fraction part होता है, fraction यानी एक whole number और एक fraction, ठीक है। 12.6 है, fraction part, ठीक है। अब हमने यहाँ पे float यूज किया, बाकी हमें कहीं भी कुछ कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, let us press F8, so let us use division again and use 63 divided by 5, तो it is right now 12.6, isn't it? So that is it. तो इस तरीके से अगर आपको ये decimal values भी चाहिए होंगे, तो you can get by using the operator, यानी जो आप ये sorry जो आप numbers लेने वाले हो float, ठीक है। तो float की वजह से result, आप देखो इस float से क्या होगा, अभी अगर हम number ले लेते ना, यानी वही integer sorry फिर से integer को ले लेते हैं, let us save it and execute it. अब आपको addition कराना है, क्या कराना है भाई, addition कराना है, लेकिन वैल्यू जो है दैट इज 12.5 और दूसरा जो है 12.5, ये आपको रिजल्ट नहीं देगा, दूसरा नंबर आप ऐड ही नहीं कर पाओगे, व्हाई, बिकॉज इट गेट्स दैट कि 12.5 जो है दीज आर टू नंबर्स, और आगे से आप देख लो कि इसने वैल्यू जो है वो 12 दे दिया, समझ आ रही है बात, तो ये गलत दे रही है, 0.5 इसने गलत दे दिया, 0.5 को ये यहाँ पे लेगा ही नहीं, तो ये आपको रिजल्ट असल में दे रहा है यहाँ पे 12.5, जबकि 0.5 यहाँ पे विजिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ द इंटीजर। नाउ अब यहाँ पे अगर आप फ्लोट यूज करते हो, क्या यूज करते हो, फ्लोट FLOAT, सो इफ यू यूज फ्लोट हियर एंड सेव इट एंड प्रेस F8, नाउ लेट अस लुक टुवर्ड्स दिस। अब जब आप यही डिवीजन या एडिशन ले लो, कोई भी ले लो, एडिशन में आ गया 2 नंबर, आ गया 12.5, ठीक है, ये आ गया पहले नंबर, फिर से ले लो 12.5, व्हाट विल बी द रिजल्ट, या आप 12.3 ले लो, 12 प्लस 12 जो हो गए वो 24 हो गए, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, तो इट शुड बी 24.8, लेट अस प्रेस एंटर, इट इज 24.8, इजंट इट, so that is it, you can only enter the decimal values which are you can say floating values only when you have used your data type in float only, float mein jab aap loge ya double agar aap le lete ho to wo bhi chalega, double aur float ye dono ek hi jaise hai, double ka value double hota hai, baaki ye float hi kar raha hai, double, theek hai।
ये फ्लोट की तरह ही है लेकिन इसमें जो है ज्यादा वैल्यू है। जैसे अगर आप एफ8 इसको भी प्रेस करते हो एंड लेट अस डिवाइड 63 सेम नंबर को हम डिवाइड करते हैं सॉरी we have to use the operator first. So let us press F8 and after that let us use the division sign. Press enter 63 and enter 5. आप देखो अब यहाँ पे अभी भी देखा रहा है 12.6 लेकिन अगर आपका रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाता है जो कि जिसमें यानी इसका तो पूरा हो रहा है ना ये 30 बन जाता है फिर यानी 30 को फिर 6 से करते सॉरी इससे हो रहा है 6 से हाँ एग्जैक्टली 5 के साथ 30 तो वो पूरा नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसको कंटिन्यूअसली डिवाइड नहीं हो रहा है सो लेट अस यूज वन नंबर मैं एक नंबर हम यहाँ से एक नंबर ले लेंगे उसको कंटिन्यूअसली डिवाइड होना चाहिए कोई भी नंबर जैसे कि 90 या 39 को अगर हम डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली दैट्स द मिस्टेक। लेट अस यूज द डिवीजन अगर हम 39 को डिवाइड करते हैं 4 से ठीक सो लेट अस प्रेस एंटर अभी देखो 9.75 अभी दो वैल्यूज आ गए सही है अभी तक एक ही आया पॉइंट के बाद एक ही आया अभी दिखा रहे हैं दो वैल्यूज व्हाई बिकॉज इसको पहले डिवाइड नहीं हुआ तो अभी ये 7.5 दिखा रहा है तो अभी ये 7.5 तक ही जा रहा है लेकिन जब आपके पास जो है जितने कोई नंबर होगा जिसको अभी दो नंबर्स के बाद भी नहीं होगा तीन नंबर्स के बाद होगा तो वो आगे चल रहा है जैसे और एक नंबर है हमारे पास जिसको जल्दी डिवीजन नहीं होता है जैसे दैट इज 22 लेट अस यूज द डिवीजन साइन एंड देन 22 डिवाइडेड 7 डिवाइडेड देखो यही मैं बताना चाहता था कि अभी ये दिखा रहा है 5 अब ये 5 पे पहुंच गया लेकिन अगर आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग द डबल अगर आप यहां पे यूज कर रहे हो क्या फ्लोट भी FLOAT अगर आप फ्लोट यूज कर रहे हो तो अब देखो क्या हो रहा है अब इसी 22 डिवाइड बाय 7 इसी को करेंगे दिस इज द ऑपरेटर डिवीजन एंड 22 को डिवाइड करेंगे 7 से आप देखो ये कितने वैल्यू दिखा रहा है 3.142 सही है तो इट मींस दैट 6 तक तो ये जा रहा है ठीक है बाय यूजिंग फ्लोट लेकिन अगर वापस हम वही इंटीजर यूज करेंगे तो ये इनमें से एक भी नंबर नहीं देगा सही है लेट अस यूज इंटीजर एंड ये खाली एक ही नंबर देगा जो कि 3 होगा हमारा लेट अस यूज द डिवीजन प्रेस एंटर सिलेक्ट हियर 22 एंड 7 तो ये खाली 3 दे रहा है ठीक है तो इट इज गुड नाउ व्हिच वन वी शुड यूज द फ्लोट और डबल में से कोई भी यूज कर लो तो इन सारे ऑपरेटर्स को आप एक एक करके टेस्ट कर सकते हो थोड़ी सा टाइम हो चुका है ठीक है तो आज के लिए इतना काफी है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए अब